जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एमजे परिवार में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार नहीं करनी है जो भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उससे पहले बताता हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया जॉब दोस्तों टेंथ पास के लिए, इससे बढ़िया जॉब कोई से नहीं है। बेस्ट सैलरी है, क्योंकि दोस्तों आप टेंथ पास पर कहीं भी अप्लाई कर लो तो जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, कोर्स किए हुए हैं अच्छे अच्छे, उनको इतनी अच्छी जो है सैलरी नहीं मिल सकती। और इतना अच्छा करियर है कि आप समझ लीजिए पूरा लाइफ टाइम जो आपकी जो है ज़िंदगी बन जाएगी। कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। टेंथ पास जो है कम समय में आप तैयारी करके एक फ़ौज की नौकरी जो है, आप वर्दी जो है पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, उसके बाद में जो है मैं आपको कुछ इसके जो है बताता हूँ आखिर मैं क्यों बोला कि नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, वर्दी तो रहेगी कंधों पर, लेकिन फौजी असली नहीं कहलाओगे, ना पेंशन रहेगी, ठीक है। ऐसे जीडी की नौकरी में आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ना पेंशन है, छुट्टियाँ भी आर्मी से कम हैं, नो एक्स सर्विसमैन कोटा, यानी कि आप जैसे कि रिटायरमेंट के बाद जो है आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिल सकता, बाद में किसी दूसरी जॉब में अप्लाई या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कैंटीन फैसिलिटी भी इन कंपैरिजन टू जो आपकी तीनों फोर्स हैं उनके कंपैरिजन बहुत कम है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो उनके मुकाबले बहुत कम है, कम सैलरी बनती है। और जो है बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स जो इसमें बहुत कम दिए हुए हैं। ना ही शहीद का दर्जा मिलता है, आप सरहद पे ड्यूटी करोगे या किसी नक्सलाइट या फिर आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मारे जाओगे तो फिर भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। वर्दी तो पहनोगे लेकिन फौजी नहीं कहलाओगे। दोस्तों यही सब चीज़ कह रहा हूँ, कोई स्कोप जो है स्पोर्ट्स में नहीं है। जो स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स से भर्ती होता है या स्पोर्ट्स के लिए खेलता है, किसी भी गेम को खेलता है, तो उसके लिए इसमें कोई एडवांटेज नहीं है आगे बढ़ने का। और 60 साल तक आपको नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी, उससे पहले अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत कम बेनिफिट्स जो हैं मिलते हैं। जैसे कि पहले जो है 2003 के पहले पेंशन थी, अभी बंद हो गई है, तो अभी 60 साल से पहले छोड़ कर जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। 60 साल तक आपको खींच कर ले जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें आर्मी की, तो आर्मी में दोस्तों 15 से 17 साल की नौकरी में आप जो है रिटायरमेंट लेकर आ सकते हैं। जल्दी से भर्ती होते हैं, जल्दी से रिटायरमेंट लेकर 30-35 में अपने घर आ जाएंगे। एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलने का फ़ायदा है कि आप फिर से किसी दूसरी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं तो आपका जो है 33%, 35 या 40% तक आपका दूसरी जॉब में अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन फिर से हो जाएगा, घर के आसपास या घर के नज़दीक, ठीक है, और उससे अच्छी रैंक पर, ठीक है। सैलरी जो है सैलरी बहुत अच्छी बनेगी इन कंपैरिजन टू पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं आपके, असम राइफल, ITBP, CSF, CRPF, BSF, ये SSB। और मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, ठीक है। इज्जत आपको पूरी मिलेगी, असली फौजी कहलाओगे तो आप आर्मी में, एयरफोर्स या नेवी में ही कहलाओगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में असली फौजी नहीं, क्योंकि वो CAPF में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। उनको जो है पुलिस बल का जो है अभी कहा जाने लगा है। असम राइफल और कोस्ट गार्ड खाली जो दो फोर्सेज हैं जो कि आपकी पैरामिलिट्री में आती है, यानी कि अर्धसैनिक बल के सदस्यों को उनको माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सेना के अधीन काम करने वाली फोर्स ही पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और वो दो ही फोर्स हैं, कोस्ट गार्ड और आपकी असम राइफल। तो दोस्तों इसके बाद जो है बात करो दोस्तों, असली फौजी भी आप, रियल हीरो जो है, रियल हीरो भी आप आर्मी में ही कहलाओगे। आप नक्सलाइट ऑपरेशन में, CRPF में, या सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं BSF में, या फिर देश की आंतरिक सेवा कर रहे हैं कहीं पर भी, लेकिन आपको जो है सेना का दर्जा नहीं मिलने वाला। ना ही अगर आप शहीद भी हो जाते हो किसी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में या किसी भी ऐसी देश विरोधी गतिविधि में, लेकिन आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और ना ही शहीद के बाद मिलने वाली, शहीद का दर्जा दोस्तों क्या होता है, शहीद होने पर जो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, फोर्स के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वो सब चीज़ें से वंचित किया गया है अर्धसैनिक बल के जितने भी सदस्य हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स, SSGD के द्वारा भर्ती होने वाले कॉन्स्टेबल या CPO या CAPF AC में भर्ती होने वाले जितने भी बल सदस्य हैं। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जब आप प्राण त्याग देते हो
या फिर मतलब सरहद पे सुरक्षा कर रहे हो, या 60 साल तक नौकरी कर रहे हो, सब कुछ जो है नहीं मिलता है। अगर बात करें आर्मी में, तो आप जो है इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी 15 से 17 साल सर्विस कर। आप युद्ध में जाएं या ना जाएं, रिटायरमेंट हो गया, घर वापस आ जाएं, फिर भी आपको पूरा का पूरा जो है बेनिफिट्स आपको जो है मिलेगा आर्मी में, एयरफोर्स या नेवी में। लेकिन आप 60 साल तक उसके 4 गुना, यानी कि 15 साल 17 साल की आर्मी में नौकरी होती है, अगर आप उसके 4 गुना भी आप 60 साल की नौकरी भी कर कर आओगे, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला जितना कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में मिलता है। तो आप कहें क्या कहें किस लिए तैयारी कर रहे हो दोस्तों? मेरे समझ में नहीं आता आप SCGD की तैयारी किस लिए कर रहे हो। मैं यही बोलूँगा, या फिर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करिए। अगर उसके बाद भी आपको तैयारी करनी है, तो ऑफिसर रैंक की तैयारी करिए। और दोस्तों देखो, ना भले से तो सब कुछ भला, SCGD की नौकरी भी बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम में बेरोज़गारी इतनी बड़ी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है बेहतर रूप से तैयारी करें। आज के समय में जॉब मिल जाए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है, हर किसी के नसीब में नहीं होता आर्मी की वर्दी पहनना, या एयरफोर्स की या नेवी की। तो आप जो है इस चीज़ से सुनिश्चित रहें, क्योंकि मैं भी एक अर्धसैनिक बल का सदस्य हूँ और मैं भी सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सोचने वाली बात है। आपका स्वागत है, देश की रक्षा हम भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी देश के उज्जवल भविष्य हैं, भावी जो हैं, भावी जितने भी आने वाली पीढ़ी हैं, यह तैयारी कर रहे हैं, और जो आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। और मैं समझता हूँ कि हम जो है किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से कम नहीं है, क्योंकि हम भी अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। हालांकि हमको वंचित रखा गया है सरकार द्वारा किन्हीं कारणों में, कुछ चीज़ों में बेनिफिट्स या कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी हम अपने देश के लिए तत्पर या सदैव तैयार हैं, देश की रक्षा करने के लिए। और देश के किसी भी आंतरिक या बाह्य कोई भी, अगर देश के ऊपर ऐसी आपत्ति आती है या कोई ऐसी संकट आता है, तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और आशा करता हूँ आपका जो है मोटिवेशन बूस्ट कर कर अपना पूरे पूरे योगदान से आने की कृपा करें। जय हिंद।